आप सभी का स्वागत है ईआईएस प्रिस्क्रिप्शन में। यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में इस वक्त कई सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्या कदम आप लोग को उठाना है, किस तरह से आप लोग अपनी गलतियों को सही करवा सकते हैं, इन सभी को लेके सारी बातें बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जो कि न्यूज़ पेपर में सारी बातें आप लोग को बताई गई हैं कि छात्रवृत्ति आवेदन में गलतियाँ दूर करने का आज से मौका, यानी कि आप लोग को पता है कि 11 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक के लिए आप लोग को टाइम दिया गया कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो आप लोग उसमें सुधार करवाए, अपने कॉलेज में उसका प्रिंट आउट लेके जमा कर दे। क्या आप लोग गलतियाँ सुधार करवा सकते हैं तो उसको लेके भी बताया गया कि आप लोग के अगर आप लोगों ने प्रमोटेड विथ मार्कशीट किया है तो आप लोग को वहाँ पे नंबर देने होंगे। इसके साथ ही बैंक का IFSC कोड आप लोग चेंज करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई चेंजेस है तो आप लोग सुधार करवा सकते हैं, और भी अगर कोई गलती है तो आप लोग उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। ये सारी बातें आप लोग को बताई गई हैं। और अब बात करते हैं कि आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, आप लोगों ने जितने सवाल किए उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन से सवाल थे, इन सभी को लेकर सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ पे शो हो रहा है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से भी आप लोग के डाटा को वेरीफाइड कर दिया गया है और रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमेटी लिख के आ रहा है। तो आप लोग के पैसे कब तक आएंगे और आप लोग के पैसे आएंगे नहीं आएंगे, इसको लेके भी कई सारे सवाल बने हुए हैं। तो देखिए, इसका मतलब है कि आप लोग का डाटा पूरी तरह से सही है, आप लोग का पैसा भेजा जाएगा 28 फरवरी तक। आप लोग को इंतजार करना है, 28 फरवरी तक आप लोग के पैसे आ जाएंगे। और इसके साथ ही बजट पे भी निर्भर करता है, जितना बजट रहेगा उसके अनुसार सभी लोगों को पैसा भेज दिया जाएगा। आप लोग को कोई भी सुधार करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग का डाटा पूरी तरह से सही है। इसके बाद से जिनका भी डाटा पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट से ही, आप लोग को इस तरह से भी स्टेटस देखने को मिलेगा कि डिस्ट्रिक्ट से ही आप लोग का पेंडिंग रखा गया, अभी तक आप लोग का डिस्ट्रिक्ट से ही पास नहीं हुआ है। तो आप लोग को उसमें कुछ भी नहीं करना है, आप लोग आराम से बैठे रहिए, उसमें कोई भी करेक्शन आप लोग की ओर से नहीं करवाना है। ये डिस्ट्रिक्ट का काम है, DW ऑफिसर का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर का काम है। वो जैसे ही पास कर देंगे आप लोग का भी पैसा 28 फरवरी तक आ जाएगा। तो आप लोग अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा। उसके बाद सेम एक समस्या जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि आप लोग को इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि UID इज नेवर इनेबल फॉर DBT, यानी कि आप लोग को बैंक में संपर्क करना है, अपने बैंक अकाउंट का KYC करवा लीजिए, क्योंकि जैसे ये सही हो जाएगा उसके बाद से आप लोग का स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग को इसको सही करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बैंक में संपर्क करके सबसे पहले तो इसको वेरीफाई करवा लीजिए, उसके बाद से आप लोग को देखने को मिलता होगा बेनिफिशियरी क्रेडिट बेस्ड ऑन अकाउंट बट UID इज इनेबल, यानी कि आप लोग का डाटा तो सही है, आप लोग का पैसा भेजा जाएगा, लेकिन आप लोग का जो आधार कार्ड है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें 2-3 समस्या जो है वो आप लोग को देखने को मिल सकता है। एक तो आप लोग के आधार कार्ड से जो बैंक है वो लिंक नहीं है, इसके साथ ही आप लोग के जो 10th की मार्कशीट है और आप लोग का जो आधार कार्ड है और आप लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसमें अगर नाम में कोई भी मिस्टेक है, आप लोग के डेट ऑफ बर्थ में कोई भी चेंजेस है, तो फिर आप लोग के जो पैसे हैं वो आने में दिक्कत हो रहा है आधार कार्ड के साथ, वो इनेबल शो। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने अपने आधार को अपडेट करवाया, उसमें कोई चेंजेस करवाया, तो इसकी वजह से जो इनेबल है वो शो हो रहा है। तो आप लोग को एक बार बैंक में संपर्क कर लेना है और वहाँ से आप लोग देख लीजिए कि क्या जो समस्या वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर जिनका भी फॉर्म कॉलेज से ही रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। आप लोग कॉलेज में कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, और करेक्शन का टाइम है आप लोग के पास 11 से लेकर 22 फरवरी, तो आप लोग करेक्शन करवाइए और फिर आप लोग के पैसे आ सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि आप लोग को लिखा हुआ दिखेगा कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमेटी। तो आप लोग को काम करना है कि समाज कल्याण विभाग में जाके संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए कि क्या गलती थी जिसकी वजह से आप लोग की स्कॉलरशिप को रिजेक्ट किया गया है। तो 24 घंटे के अंदर जो आप लोग को सोल्यूशन है वो देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन जो सोल्यूशन है वो आप लोग का कर दिया जाएगा। तो आप लोग को समाज कल्याण विभाग में जाना होगा और वहाँ से आप लोग इसको सही करवा सकते हैं, कॉलेज में भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही एक जो आप लोग का स्टेटस शो हो रहा होगा जहाँ पे बताया जा रहा होगा कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट फॉर सम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, यानी कि आप लोग 2 कोर्स एक साथ कर रहे हैं, आप लोग दोनों ही कोर्स के लिए स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दें तो फिर आप लोग का स्कॉलरशिप नहीं आएगा। अगर आप लोग एक ही कोर्स को कर रहे हैं लेकिन इससे पहले आप लोगों ने किसी और कोर्स में एडमिशन लिया था और वो कोर्स का ईयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आप लोगों ने नए कोर्स में एडमिशन ले लिया, उसके लिए आप लोगों ने स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया, तो भी आप लोग का स्कॉलरशिप फिर नहीं आ पाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ ही जिनका भी रिस्पांस फ्रॉम FEMS करके आ रहा है तो आप लोग को बैंक में संपर्क करना है, उनसे कहना है कि आप लोग का जो पैसा आ रहा है उसको अप्रूव कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप लोग का FEMS से पैसा अप्रूव नहीं होता है, बैंक के द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता, तो फिर आप लोग की स्कॉलरशिप आने में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो आप लोग बैंक में संपर्क कर लीजिए, उनसे कह दीजिए कि FEMS का जो पैसा आ रहा है उसको अप्रूव कर दिया जाए। इसके साथ ही अगर आप लोग के बैंक को रिजेक्ट कर दिया गया है तो भी आप लोग बैंक में संपर्क कीजिए, बैंक से बात कीजिए कि आप लोग के
बैंक को क्या रिजेक्ट किया गया, क्या सारी समस्या है। इसके साथ ही अगर कॉलेज से ही आप लोग के फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया गया तो उसमें आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉलेज की लापरवाही है। कॉलेज के द्वारा आप लोग के फॉर्म को सबमिट नहीं किया गया, फॉरवर्ड नहीं किया गया, तो यहाँ पे आप लोग के स्टेटस में इस पर कई सारी जो समस्या देखने को मिल रही है। आप लोगों ने कमेंट करके जो सवाल किए थे, आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के सारे सवालों के जवाब देने की हमने कोशिश की होगी। बाकी अगर और कोई सवाल आप लोग के रह गए हों तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।